بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو حیرت فوراً ملی ہے مجھ کو حیرت فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے مجھ کو حیرت فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں جان بھی سب کرم ہے تمہارا جان بھی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے تمنا ہے تو درود پڑھو تو پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لج پال نبی میرے درد دی دوا دینا لج پال نبی میرے درد دی دوا دینا سرکار دی محفل وچ او جو دیاں بچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جو دیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لئی اے لج پا رکھ لیں اے لج پادا
ओ जदों लोकी मदीने नूं हुण सानूं वी आखा हुण सानूं वी आखा हुण सानूं वी आखा दरबार वेखा देना हुन सानू मिया का दरबार वेखा देना और आला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व सल्लम अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन रब फरमाया महबूबा जमाने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा जमाने सारे तेरे ने अरश वाले परश वाले दीवाने सारे तेरे ने दरूदा विच सलामा विच दरूदा विच सलामा विच नमाजा विच अजाना विच सोने हर तरफ गूंजन तराने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा जमाने सारे तेरे ने अमीरा नाल कर दाए अमीरा नाल कर दाए मोहब्बत हर कोई लोको अमीरा नाल कर दाए मोहब्बत हर को गरीबानाल आका यराने सारे तेरे ने गरीबानाल आका यराने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा जमाने सारे पंडाल में तशरीफ ला चुके हैं ये हमारे वो साथ में से एक ही हैं जिन्होंने इस स्कूल की बुनियादों से लेकर अब तक स्कूल को तमीर तरक्की में भरपूर हिस्सा लिया और आज वो अलविदाई प्रोग्राम के चेहरे मोहरे भी हैं
और हमारे मेहमान खुशी भी हैं जनाब नसीर साहब, वेलकम, खुश होंगे, बखैर आ गए। हम तेरी राह में खूने रगे जहाँ से अक्सर सुरख कालीन बिछाते हैं पजीराई का, राय बजम में इतना तमीर ने देखा, फिर उसके बाद किनाजों में रोशनी न रही। जनाब नसीर साहब तभी ला चुके हैं, उनके साथ आने वाले तमाम मेहमानों को हम दिल के साथ कह रहा है तो खुश आमदेद कहते हैं, खुश आमदेद वेलकम। इसके अलावा उनके साथ जो हमारे दीगर साथ हैं जो रिटायरमेंट ले चुके हैं वो भी साथ हैं, उनको भी खुश आमदेद कहते हैं। बच्चे नींद में बैठे हैं, शोर बंद करें ताकि प्रोग्राम जल्दी शुरू करें और उसे जल्दी जल्दी खत्म किया जा सके। चंदा शाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद आबरुवे लफ्ज या लफ्जों की राह ना आई, मोहम्मद आबरुवे लफ्ज या लफ्जों की राह ना आई, मोहम्मद इल्म हिकमत रमज अरफा अक्ल दाना आई, मोहम्मद की जुबान कुरान के एहसास तक में है, मोहम्मद ही बयां अलहम्द से बन्नास तक में है, मोहम्मद आलम महरूमी आदम की सुल्तानी, मोहम्मद गुर्ब तो अपलास पर दस्ते निगेबानी, मोहम्मद हुजलाए कौनैन में इफ्फत का शहजादा, मोहम्मद जुल्मतों के देश में किरणों भरा वादा, मोहम्मद तलकिए अहदे अरब ने शहद की बारिश, मोहम्मद आले इब्राहिम के मजदान की ख्वाहिश, मोहम्मद ने फलक पर सप्त मेराज बशर की है, मोहम्मद ने जमी को आसमानों की खबर की है, मोहम्मद चांद पर पैगंबरी एजाज रखता है, मोहम्मद जुम्बशे अंगुश्त का एजाज रखता है, मोहम्मद मोहम्मद ताहशर सारे अबू जहलों का हाथी है, मोहम्मद संगरेजों को जुबान देने का आती है, और मोहम्मद के अदू को हुक्म यजदानी न छोड़ेगा, मोहम्मद ता कयामत भूल हक के हाथ तोड़ेगा, मोहम्मद कब किसी इंसान के हद्दे गुमा तक है, मोहम्मद का सफर गारे हिरा से आसमां तक है, कि जिसके नक्श पासे खुल्द का इम्कान बनता है, कि जिसके वस्फ हुस्नो खुल्क से कुरान बनता है, मोहम्मद वो मोहम्मद वो मोहम्मद वो मोहम्मद है जिसकी पैरवी से आदमी इंसान बनता है। मैं दावत देता हूं मोहतरम जनाब बिलाल चिश्ती साहब के तशरीफ लाएं और नात रसूल मकबूल बहजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। आज की ये महफिल हमारे नहायत हारदिल अजीज, हमारे दोस्त, हमारे टीचर, हमारे मोहसन जनाब नसीर साहब की अलविदाई तकरीब है। उन्होंने यहाँ पर एक तवील अरसा गुजारा है, वो यहीं पड़े हैं, यहीं पे अपॉइंट हुए और यहीं से अलविदा होकर इंशाल्लाह हमसे ये जाएंगे। बिलाल चिश्ती साहब ये तबाब मांगे फरोजा, नहीं ये तबाब मेरा मुस्तफा है, मेरा मुस्तफा है, मेरा मुस्तफा है, मेरा मुस्तफा है, जो बार रबी अव्वल को आया, जो अव्वल बना है, मेरा मुस्तफा है, माहे फरोजा वो नहीं यरता माँ, माहे फरोजा वो नहीं यरता माँ।
तो क्या तूने देखा वो आना वो जाना, तो क्या तूने देखा वो आना वो जाना, के हैरत में है अब तलकी जमाना, वो रब का बुलाना तो सबको बताना, बुलाना तो सबको बताना कि जो आ रहा है मेरा मुस्तफा है, कि जो आ रहा है मेरा मुस्तफा है, वो माहे फरोजा तो नहीं है रिताबा, वो माहे फरोजा तो क्या तूने देखा वो रहमत का मंजर, उधर से दुआएं इधर से है पत्थर, तो क्या तूने देखा वो रहमत का मंजर, इधर से दुआएं उधर से पत्थर, वो ताइफ की वादी वो ताबे का दिलबर, वो ताइफ की वादी वो ताबे का दिलबर, वो ताइफ की वादी वो ताबे का दिलबर, जो तन्हा खड़ा है मेरा मुस्तफा है, वो माहे फरोजा वो नहीं है निताबा, मेरा मुस्तफा है मेरा मुस्तफा है। क्योंकि बच्चे और टीचर हाथ फुल शावर कर रहे सन, उन चेहरे जो असार सन ना वो कुछ मतलब गम सदा जाता है, कुछ चीज जो उ जाए ना लहर बदले थोड़ा बहुत ना साफ करती है, मनजीत साहब की नजर करना है गुरबाई, क्योंकि जल्दी दुनिया बनी है, बंदे आते भी ने जाते भी ने, निजाम दुनिया का चलता भी है, इस तरह इंसान ने दुनिया तो चलिया भी जाना है, हर एक दिन वो वक्त आना है, है जी, ये समझो कि तकरीबन वो ही है एक शटल ही है, एंड रिटायर होना होंगे ना स्कूल उठ सकना, इस तरह इस तरह इंसान ने दुनिया नहीं छना। किस दे नाल वफा ना कीती, किस दे नाल वफा ना कीती, इस दुनिया दे इतबारे किसे दा महबूब रिया ना कोई थे, किसे दा महबूब रिया किसे जी रही सरदार, ते किसे देते पैर नहीं लगे, किसे देते पैर नहीं लगे,
ते कोई आवे ते कोई जा
ਕਿਤੇ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਵੇ ਅੰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਵਾਇਆ ਹੈ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਰਵੇ आज स्कूल की तारीफ में नहायत आम होता है कि हमारे स्कूल की नहायत हर्ज नजीर शख्सियत बाबा ए पंजाबी नहायत इल्मी और अदबी शख्सियत जनाब मोहम्मद नसीर अहमद साहब आज अपनी सर्विस पूरी करके इस स्कूल से नहायत कामयाबी के साथ और नहायत इज्जत के साथ नहायत आदर के साथ आज रिटायर हो रहे हैं। आज उनके रिटायरमेंट पर उनको दिल की अथाह गहराइयों से हम खराज तकसीम पेश करते हैं। नहायत ही कामयाब उन्होंने सर्विस की। तीन चार खसूसियात उनकी मैं पेश करके इजाजत चाहूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। एक तो ये वो मुंफरिद शख्सियत है जिन्होंने स्कूल के अंदर अपनी सर्विस का आगाज किया और आज इसी स्कूल से रिटायर हो रहे हैं। अपनी 36 साल सर्विस जिन्होंने एक ही मुकाम पर मुकम्मल की, इनके लिए दिल की अथाह गहराइयों से इनको राज्य तकसीम पेश करते हैं। स्कूल के तमीराती काम के अंदर इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जो भी काम इनको कहा इन्होंने अपने टाइम के अलावा स्कूल टाइम के अलावा भी इन्होंने स्कूल के लिए अपना नहायत जान माल और हर लिहाज से इन्होंने अपने आप को पेश किया। इसके लिए भी इनको हम राज्य तकसीम पेश करते हैं। मैंने शुरू में लफ्ज़ बोला बाबा है पंजाबी। आज मैं आपको बात बताता हूँ कि 9th और 10th का इन्होंने इनको एक पीरियड दिया हुआ था। अगर से ये प्राइमरी टीचर है पंजाबी इनके पास थी पंजाबी का पीरियड। और इस मजमून में हमेशा से जब से मैं आया हूँ मुझे उससे पहले का नहीं पता लेकिन पंजाबी मजमून में हमारा 100% रिजल्ट रहा था। हाँ जी अब्दुल खालिद साहब कह रहे हैं कि पहले भी 100% आता रहा और यही पढ़ाते रहे हैं। अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं स्कूल की हम निसाबी सरगर्मियां जिनको हम पहले गैर निसाबी सरगर्मियां कहते थे उनमें भी नसीर साहब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कबड्डी और कुश्ती की टीमों को अपने जिला में जिला लेवल पर हमारे हमने इनामत हासिल किए हैं। ये इसका सबूत है हमारे दफ्तर में कब पड़े हुए हैं इनामी का। सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का एक कामयाब सबूत है। और नसीर साहब कुछ गमगीन बैठे हुए हैं तो मैंने कहा कि रवायती अंदाज से हटकर बात की जाए। नसीर साहब आज रिटायर नहीं हुए, ये मैं बात आपको बता दूं, ये रिटायर नहीं हो रहे, ये LPR पर जा रहे हैं लीव प्रायर टू रिटायरमेंट। एक साल की इनकी छुट्टी है। ये छुट्टी के दौरान जो है ये स्कूल में हमारे बाकायदा उसी तरह मुलाजम है जिस तरह बाकी हम सब मुलाजम हैं गवर्नमेंट के और इसी तरह ये स्कूल में आते रहेंगे तशरीफ लाते रहेंगे। स्कूल काउंसिल के तमीराती काम के ये मेंबर हैं। इंशाल्लाह मैं ऐलान करता हूँ कि स्कूल के बाद भी इनकी रिटायरमेंट एक साल बाद इनकी रिटायरमेंट होगी उसके बाद भी ये स्कूल काउंसिल के बाकायदा मेंबर होंगे और इंशाल्लाह उसी तरह उसी आदर के साथ स्कूल आते रहेंगे और हम इंशाल्लाह उनको इज्जत बख्शेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनको दुनिया और आखिरत में कामयाब बनाए और सबक फरमाया। जज़ाकअल्लाह जी माशाअल्लाह। Thank you.
شاہ صاحب اجازت ہے بڑا ٹائم لینا لگا پسے تحریر بھی شاید کوئی تحریر ہو جیسے ہمیں اس کو سمجھنے میں ابھی تاخیر ہو جیسے میں اسے دور کیا جاؤں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کوئی نادیدہ میرے پاؤں میں زنجیر ہو جیسے جہاں بھی جاؤں اس کے نام لیوا ایسے ملتے ہیں یہ سارا شہر ہی اس شخص کی جاگیر ہو جیسے اور وہ آنکھیں اور پلکیں حافظ و غالب کی غزلیں ہیں مگر وہ اس کا چہرہ کلیات میر ہو جیسے وہ بچھڑا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے مجھے انجم وہ بچھڑا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے مجھے انجم بغیر اس کے میرا ہر خواب بے تعبیر ہو جیسے پسے تحریر بھی شاید کوئی تحریر ہو جیسے نصیر صاحب کی خدمات تو میرے دوست بیان کرتے رہیں گے کیونکہ وقت تھوڑا ہے مقابلہ سخت ہے میں بلا تاخیر تالی گواز میں سر محمد منشاہ صاحب آئے اور جو انفارمیشن وہ رکھتے ہیں وہ شاید کسی کے پاس بھی نہیں جناب منشاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ وقت بھی کم ہے اور پروگرام بھی ہے اور ساتھی بھی ہیں تو جناب سمیع صاحب نے تو تھوڑے سے ان کے کارنامے سنائے ہیں کیونکہ ہم ایج ہی ہیں تقریباً دو چند سال کا فرق ہے بچپن ادھر انہوں نے پڑھا اس وقت کا سکول بھی ہم نے دیکھا آج کا سکول آپ کے سامنے تو میں چھوٹی سی بات سناتا ہوں جب ہمارا سرفراز اس بار کا سیکٹری بنا تو ایک دن آ کے اپنے والد صاحب سے کہنے لگا کہ ابا جی آپ کے دوست آئے تھے میں نے دو تین ان کے کام کیے تھے آج تو ان کے والد صاحب نے اس کو کہا بیٹا یہ کام گنے نہیں جاتے جو کسی کی خدا کی رضا کے لیے کام کیا جب وہ گنتے نہیں ہیں لوگ اس کا اجر اللہ دیتا ہے اور یہ مخلوق کی خدمت جو ہے نا یہ اصل خالق کی رضا ہے میں اتنی لسٹ تو نہیں گن سکتا نصیر صاحب کی میں نے جب بھی ان کو مذاق میں بھی کبھی کہنا میں کہا نصیر صاحب کبھی اپنے گاؤں کا بھی خیال کرنا کہ نہیں اندر میرا گاؤں بھی یہی تو اس سے بڑی محبت میں سمجھتا ہوں انہوں نے کہا یہ آپ کا نہیں میرا ہی گاؤں ہے تو میں یہ بات اکثر سوچتا تھا کہ جس آدمی نے اپنا تن من اس سکول کے لیے اس گاؤں کے لیے بھی وقف کیا ہے تو وہ انتہائی قابل احترام شخصیت انتہائی اہم شخصیت ہے تو ہمارا تو چونکہ ساتھ اکٹھا ہیں گاؤں بھی ان کا ہی ہے یہ بھی ان کا ہے کالا کپور والی جٹا میں فرق بھی نہیں ہے تو ان کی خدمات اللہ نے انہیں اجر بھی دیا ہے سروس قدران اللہ نے انہیں اپنے گھر کا حج نصیب کیا اللہ نے جاتے دفعہ پوتے کی خوشی بھی عطا کر دی ہے تو یہ خدمت کا صلہ ہے تو یہ جو صلہ ہے یہ بچوں آپ کی خدمت ہے ابھی آپ کا اس جگہ پہنگے آپ کو تو بھی یہ پیغام ہے کہ یہ سکول کسی کا ذاتی نہیں ہے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت اس کے حفاظت میں ہم سب کی ذمہ داری ہے اور میں انہی الفاظ میں ان کو یہ سال بدائی تقریب میں یہ خوشی کا مقام تو نہیں ہمارے لیے ایک ساتھی ہیں بہت بغیر کسی سوچے سمجھے یہ آگے انہوں نے کام شروع کر دینا جو بھی دیکھا ہے یہ کر دو یہ کر دو تو یہ ادارہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا گیا ہے آج ماشاءاللہ اس کی ٹیم انتہائی اہم سکول میں کام کر رہی ہے تعلیم کے لحاظ سے برکر کے لحاظ سے سارے اللہ تعالیٰ اس باغ کو اس سکول کو جو بھی آیا اس نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا تو جناب نصیر صاحب کو میں پورے گاؤں کی طرف سے اکثر لوگوں کے بیانات میں نے سنے ہیں دو تین دن سے پتا چلا ہے کہ وہ جا رہے ہیں تو لوگوں کے ہر ایک کی زبان سے ان کے تعریفی کلمات سنے ہیں میں اپنے گاؤں کی طرف سے اور دوست کی طرف سے جو ان کے گاؤں میں ہیں آ تو نہیں سکے سارے لیکن مجھے کچھ لوگوں نے پیغام دیے کہ ہماری طرف سے ان کا یہ خراج تحسین ضرور پیش کرنا تو میں ان کو یہ الوداعی تقریب پر الوداعی کہنا تو نہیں دل کر رہا کہ یہ الوداع ہو جائے مگر پھر بھی پروگرام ہے تو یہ آج اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر میں سکون دے اور جا کے اپنی باقی زندگی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو صحت تحسین بچے خاموشی کیا کریں یہ لمبا چوڑا کام نہیں ہے دوست ایک تو ہمارے دوستوں اس کے بعد فارغ ہو جائے نصیر صاحب پنجابی کے ماشاءاللہ ٹیچر رہے ہیں تو میں بچوں بھی میرے سنتے ہیں میں ایک نظم لکھی تھی پنجابی میں اس میں کچھ مضمون ہے وہ آپ سنیں
कि हाड़े हावां नीर वगैरा हाड़े हावां नीर वगैरा एहो ये जागीर वगैरा बाहरों जुस्सा सही सलामत अंदरों चीरो चीर वगैरा इधर मिर्जा कल्ला उधर इधर मिर्जा कल्ला उधर कैदो खान शमीर वगैरा ते सारा कार मुकम्मल है सारा कार मुकम्मल है बस कंधा ते शातीर वगैरा ते अख दा जादू नहीं जे लैंदा हिजर दा जादू नहीं जे लैंदा केड़े पंडित पीर वगैरा ते साहबा एक ते किन्ने मिर्जे सारे दी रोली वगैरा। अब मैं दावत देता हूँ इस शेर के साथ कि दूर जाएगा तो और भी याद आएगा, फासले कुर्ब की बुनियाद हुआ करते हैं। आपसे हम कलाम होते हैं ताली के आवाज में मोहतरम जनाब खलील साहब। खलील साहब आए और अपने अपने प्यार के साथ बच्चे खामोशी के आगे बिल्कुल इसके बाद जो हमारे साथी पर प्रोग्राम खत्म हो जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब रईस मदरसा समीम पेशी साहेब मोहतरम असातिज़ा मेहमानाने ग्रामी और अजीज तुलबा, आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है। नसीर साहेब जो के आपसे बहुत वाबस्ता थे, बच्चों के साथ इनकी शफकत मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी, हत्ता के जिस साल पंजाबी का पीरियड 9th-10th को नहीं दिया जाता था वो बच्चे फरमाइश करते थे सर हमें पंजाबी नसीर साहब पढ़ाए, तो फिर उनको पंजाबी दी जाती और इतने वो मानूस रहते इतने वो खुश रहते कि वो बयान करने के बयान नहीं करते। तो हर साल पंजाबी पढ़ाते रिजल्ट भी जैसा कि आपने सुनिया 100% देते थे। हमारे बहुत अजीज दोस्त हमारे भाई थे और उनकी मोहब्बत हमारे लिए बिल्कुल पाई नहीं करा, उनकी शफकत हमारे लिए और स्कूल के लिए हर मौका पे जब भी जरूरत पड़ी तमीर मरम्मत की स्कूल के लिए तो उन्होंने हर मौका पे हर आवाज दस्ते आगे होकर सरप्राइज की उन्होंने, और चाहे वो चार दीवारी बनानी है स्कूल के कमरे जो है उनका लेंटर डालना है स्कूल के लिए जगह खरीदनी है तो उन्होंने हर मौका पे सामने आकर सबसे आगे होकर काम किया। तो इनकी तालीमी खिदमत स्कूल के लिए खिदमत अपने दोस्तों के लिए खिदमत, जब दोस्तों को जरूरत पड़ी कोई ऐसा मसला पड़ा तो उन्होंने भाई जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी को खतरे में न लाया, अपने स्कूल का साथ दिया अपने दोस्तों का साथ दिया। तो मैं इनको इनकी बात जो है वो तकरीबन 45 साल से हमारे साथ इकट्ठे पढ़ते रहे हैं, इकट्ठे ही हमने मुलाकात की है। तो मैं शेर से अपनी बात करना चाहूँगा, बिछड़ा कुछ इस अदा से बिछड़ा कुछ कुछ इस अदा से फिर रुत ही बदल गई एक शख्स सारे शहर गिरा कर गया। माशाल्लाह जी ये थे खलील साहेब। मैं ये थोड़ी सी बात में इजाफा कर दूं कि इनका सिर्फ पंजाबी का ही शौकीन लड़ नहीं होता था, प्राइमरी सेक्शन में जो इम्तिहान होता था ना उसमें भी ये 90% से ज़्यादा लड़ दिया करते। सिर्फ पंजाबी की बात नहीं है, बाकी पंजाबी तो बड़ी पसंद पढ़ाते थे ना, प्राइमरी का लड़ भी इनका नशे शानदार रहा है। ठीक है जी, इसके बाद
एक ही दो बातें रह गई बस खत्म होने वाला है कि हिजरतों ने समय ने हिजरतों के जख्म सारे भर दिए लेकिन समय ने हिजरतों के जख्म सारे भर दिए लेकिन जिगर के पास पास दिल में दर्द सा महसूस होता है। बिछड़ जाने से पहले तुमने जिस पर नाम लिखे थे कभी आकर तो देखो किस कदर वो पेड़ रोता है। और जुदा होकर जरूरी तो नहीं इंसान मर जाए कहीं ये जहन में लेकिन कभी ऐसा भी होता है। मैं ताली गवाज में अपने उस्ताद मोहतरम जो कि रिटायर हुए और इस वक्त भी माशाल्लाह वो सेहतमंद है चाकू तो बंद है मेरी मुराद जनाब सर अब्दुल खालिक साहब तशरीफ लाएं और अपने ख्याल इंतजार करें बच्चे इस्तकबाल करें। ये उस्तादों के उस्ताद हैं दादा उस्ताद है नाना उस्ताद है ये नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका कराम और नेक तलबा अस्सलामु अलैकुम। मुझे आज वो दिन याद आ रहा है जब मैं इसी माँ इकतीस अक्टूबर पर 1911 पर तैयार हुआ था तो मोहतरम जनाब नसीर अहमद साहब मोहतरम जनाब खलील अहमद साहब और मोहतरम जनाब बूटा साहब मुझे मंडी बात ही रिसीव करने के लिए गए थे। 31 अक्टूबर को मैं वहां से रिटायर हुआ था तो मुझे वो आज याद आ रहा है कि मुझे रिसीव करने के लिए गए तो मैं और सामने सामने और दूसरे साथ ने भरपूर नसीर अहमद साहब की खिदमात का आभार किया है तो मैं भी उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जब अंग्रेज ने उस्ताद का मकाम सुने जब अंग्रेज ने अल्लामा अकबर को सर का खिताब देने लगे जब अंग्रेज अल्लामा अकबर को सर का खिताब देने लगे तो अल्लामा अकबर ने कहा कि पहले मेरे उस्ताद शमसुल्लामा का खिताब दें। तो अंग्रेज ने कहा कि उसकी तस्लीम हमारे नजर में नहीं गुजरी। अल्लामा अकबर ने पता क्या कहा उसने अंग्रेजों का ये जाती मैं जिंदा जमेर तस्वीर अकबाल आपके सामने खड़ा है ये है उस्ताद का मकाम। मेरे सामने ये मेरे सारे तसनीफ हैं ये तसनीफ क्या कहूँ ये मेरा दीवान सारा बैठा हुआ है जनाब मुस्तफा साहब वकील साहब रजीब साहब अपना तर्क साहब ये तमाम मेरे शागिर्द हैं तो अल्लाह ताला से दुआ है रजीब साहब को अपनी पक्या जिंदगी जो है वो इसी तरह गुजारने की तो फिर तता फरमाए साहब ने फरमाया कि ये अपने मसरूफियात के बावजूद भी वो आते रहेंगे इंशाल्लाह ये उनका अच्छा कदम है और इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। निगाह बुलंद सुखन देव नवाज जाम पुरसोज निगाह बुलंद सुखन देव नवाज जाम पुरसोज यही है रखते सफर मेरे कारवां के लिए वमा लैना इल्ला अल्लाह।
जी मेरे मोहतरम सरफुल खालिद साहब, अब वो आखिरी ये मेरे दोस्त जो है ना, इनको बड़ी जल्दी है, आप बच्चों को कंट्रोल करें प्लीज। लंबा प्रोग्राम नहीं हुआ आज मेरा, 10 से 15 मिनट लगे हैं, कोई मसला नहीं है, बच्चों को कंट्रोल करें, जो चार साहिबान है। इसके बाद मैं नसीर साहब को लगाने लगा और प्रोग्राम खत्म हो जाना है, दरमियान में तो नहीं छोड़ना होगा। नसीर साहब की खिदमत कम से कम काला घूमना और फिजन हुआ कि हाथों से टैकी छुपी नहीं, और उनका शफीकाना लहजा, दोस्तों से दोस्ती, बहुत सारी अल्लाह तआला को खसूसियत से नवाजा। और मुझे ये कह रहे थे कि मैंने इसी स्कूल में 8 साल तक पढ़ा और 37 साल मेरी सर्विस इस स्कूल में होगी, और ये टोटल 45 साल जो कि तकरीबन सारी उम्र का हिस्सा है, मगर मैंने काला को नाम दिया। इनके तालियां लगे तुम लगाए, अब मैं सब देता हूं आपके साथ तालियों के बाद में जनाब नसीर अहमद गुमन साहब तशरीफ लाए और अपने कॉलम का इस्तेमाल कीजिए, पड़े होंगे नसीर अहमद साहब। नाम तो वो चल जाना रसन लेन करें अम्मा बात फ्रॉम बिल्ला में से बार बार जी बिस्मिल्लाह तमाम दोस्तों अजीजों और तमाम तलबा को मेरी तरफ से सलाम। मेरी बहुत ही खूबियां शायद जो मुझ में नहीं है वो भी मेरे दोस्तों ने गनवा दिया है। हकीकत है मेरी जुबान लड़खड़ा रही है, कदम डगमगा रहे हैं, दिल की कोई अजीब सी कैफियत है, क्योंकि मैंने इस अजीब दरसगाह में अपनी जिंदगी का तकरीबन 45 साल गुजारे हैं, तो खास तौर पे इस मिट्टी से भी मुझे बड़ा प्यार है, इस मूल की मिट्टी से भी बड़ा प्यार है। मैं आपको ये कहने में हार महसूस नहीं कर रहा, शायद मैं अपने घर के किसी काम में उस काम को पेंडिंग कर दूं या फिर करने का इरादा कर लूं, लेकिन स्कूल में जो काम शुरू किया है इंशाल्लाह ये सब दोस्त हुआ है कि दिन रात उसके लिए कोशिश की है, मैंने समाधि किया माशरे में जाकर इर्द गिर्द के दोस्तों से, तो आपके सामने हमने ये अधीन दत्ता जो है इसका नक्शा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसकी हर ईंट जो लगी हुई है ये मेरे हाथों से गुजरी है, इसका हर पौधा जो है वो मैंने खुद इसकी आबेदारी की है, खुद इसको सींचा, तो इसका अगर पत्ता भी कोई टूटता है ना, किसी किस्म का कोई नुकसान होता है ना, तो मुझे दिली दिली दुख होता है, तो मैं इंशाल्लाह रिटायरमेंट के बाद यहाँ से फारग होने के बाद किसी का हुक्म हूँ सात बजे तो हमें इसमें क्या फर्क, तो जब भी मुझे मेरी जरूरत स्कूल को इन दोस्तों को कभी महसूस हुई तो बंदा नजीद हाजिर है। तालियां गए बच्चे, बाकी सब मेरे रफाका जो है, दोस्त जो है, मेरे साथी जो है, इनमें से मेरे भी कुछ शागिर्द भी हैं, कुछ मेरे क्लास फेलो भी हैं, मैं सबसे दस्त बस्ता ये कहना चाहता हूँ, अगर इकट्ठे रहते हुए मुझसे कभी किसी मौका पर किसी को देलादारी हुई हो तो मैं हाथ बांध कर उससे माधव करने के लिए।
लिए तैयार हूँ और उम्मीद करता हूँ तो वो भी जेल में नहीं रखेंगे। तो मैं यहाँ रहते हुए इर्द गिर्द के स्कूलों के हालात सुनता था, जानता था। यहाँ से काफी लोग रिटायर्ड होकर गए हैं, ट्रांसफर होकर गए हैं, लेकिन वो भी स्कूल की ये मिसाल देते हैं कि वहाँ भाई यूनिटी देती है, कोई ग्रुपबंदी नहीं है, कोई किसी के साथ इख्तलाफ नहीं है। अगर यहाँ कोई छोटा मोटा मसला इकट्ठे रहते हो भी जाए तो मैंने खासतौर पर कोशिश किया कि उसको सॉल्व किया जाए, उसको हल किया जाए। तो यहाँ किसी किस्म की भी ग्रुपबंदी नहीं है, सब दोस्त बड़े दोस्ताना माहौल में काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो ये मेरे जो साथी हैं, रफाका हैं, बाद में भी इस रवायत को कायम रखते हुए ऐसा करने की कोशिश करें। अगर किसी से कोई गिला छिटका हो जाता है तो भाई आपस में बैठकर उसको हल किया जाए, कोई इसमें कबात नहीं है, कोई इसमें बाल मौका पर मीर साहब इसी हज साहब इस चीज के दुआ है, दलीप साहब इस बात के दुआ है, खालक साहब ने मेरे साथ यहाँ सर्वस किया ये भी इस बात के दुआ है। बाल ये कहते यार और दूसरी से सी मान जाते हो, मैं कह जी मान जाना ही बेहतरीन, इख्तलाफात बढ़ाना बेहतरीन नहीं है, इख्तलाफात को खत्म करना बेहतरीन है। तो मैं तो सुला जो जो दूसरा बंदा हूँ, तो इंशाल्लाह इन बच्चों से ये जितने बच्चे बैठे हुए हैं ना, शायद ये अपने वालदैन से पूछने वो भी मेरे से कहते हैं, तकरीबन इनके वालदैन जो है वालद साहब जो है वो मेरे से कहते हैं। तो मैं जज्बात मेरे बहुत उमड़ रहे हैं, जज्बात पे काबू रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पहले मैं बड़ा खुश था रिटायर हो रहा हूँ, पता नहीं कल से क्या हो गया, मेरे दिल की जो कैफियत है वो बदल गई है, डूब डूब सी गई है। अभी मैंने आपके सामने पानी मंगवाया था लेकिन मैं पी नहीं सकती। तो अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी अता करे। मैं आपको ये नसीहत करता हूँ कि अपने वालदैन और असातिज़ा का हद से एहतराम करें। देखने में आया तो वही सके, वही लोग कामयाब और कामरान होते हैं जो अपने बड़ों की बड़ों का दफ्तर छोटों से प्यार करते हैं, दिल लगाकर जो मेहनत करते हैं। आप किसी भी फील्ड में जाएं, जब ये मोशन आपको कहीं भी मिले तो इनका एहतराम करना। बाकी लंबी चौड़ी तकरीर तो मैं करने का आती भी नहीं हूँ ना मैं आज कर ही सकता। आखिर में मैं तमाम साथियों और तालिब इल्मों से दोबारा माजरत करता हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी को दिल उदारी हुई हो, किसी को कोई दुख पहुंचा हो, किसी को पहुंचा हो, तो मैं दोबारा माजरत करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप खुले दिल से माफी नहीं आते। अब जो आखिरी इस्लामिक कलमात हैं वो तो अमी साहब ध्यान करेंगे कि इनके जज्बात की जो है ना वो वाकई इन्होंने हमें भी महसूस हुआ है कि ये बेशक यहाँ इदारे से यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं नज़दीक हैं लेकिन जुदाई तो महसूस हुआ करती है। तो आखिरी कलमात के लिए मैं मोहतरम सभी साहब बुलाने से पहले मैं चाहूँगा कि जो दोस्तों ने इनके लिए गिफ्ट वगैरह एक यादगारी चीज़ होती है, जब कोई टीचर अपने ड्राइंग रूम में कोई चीज़ सजी देखता है ना तो फिर उसे वो यादें जो है दोबारा ताज़ा हो जाती हैं। तो समी साहब से गुजारिश है अगर वो नसीर साहब के लिए जो हार वगैरह हैं और कुछ यादगारी चीज़ें हैं जिगर अहबाब हैं माशाल्लाह ये टेबल पे सजी हुई हैं तो ये एक एक मोहब्बत भरे तोहफे हैं, ये हमारी यादें हैं जो आपके साथ जाएंगे और आपको ये इस बात का एहसास दिलाती रहेंगी कि आप हमारे स्कूल में बतौर मदरस खिदमात अंजाम देते रहे हैं। फोटो सेशन भी होगा, साथ ये जो थायफ हैं मोहतरम नसीर साहब हैं, मंशा साहब हैं, देख रहे साजा हैं जी, बच्चे क्लैपिंग करें, सिर्फ क्लैपिंग करनी है, मुंह से आवाज निकाली क्लैपिंग करें।
अब खुशी है न कोई दर्द उड़ाने वाला, हमने अपना लिया हर रंग जमाने वाला। उसको रुखसत किया था मुझे मालूम न था, सारा घर ले गया अगर छोड़ के जाने वाला। और दूर के चांद को ढूंढो ना किसी आंचल में, ये उजाला नहीं आंगन में समाने वाला। तुम तकल्लफ कभी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हरात गिराने वाला। मोहतरम जनाब नसीर साहब, जिन्होंने लंबा अरसा काला गुमना की खिदमत की है, और ये बड़े एजाज की बात है कि सियालकोट में पढ़े लिखे जो गांव में शुमार होने वाला काला गुमना, और उनको एजुकेट किया है नसीर साहब। और इनके शागिर्दों में आर्मी ऑफिसर्स भी हैं, सिविल ऑफिसर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, और बिजनेसमैन भी हैं। बहन से बात कर रहा था, कह रहे जी कि मेरी पहली क्लास है उसमें से कर्नल इमरान जो हैं वो मेरे पहले शागिर्द हैं। ये तहाइफ की तकसीम, हमारे जो मेहमान आए हम उनको दिल के था गहराइयों से खुश आमदेद कहते हैं, जिनमें मोहतरम अमीन साहब बैठे हैं, मेरी नजरों के सामने जनाब खालिक साहब हैं, एहसान लाई साहब हैं, मोहम्मद बूटा साहब हैं, भट्ट साहब हैं, ये वेल्डिंग वाले जो के हमारे इदारे में भी इस्तेमाल अंजाम देते रहे हैं, और जट्टे से जनाब उनके नसीर साहब के अजीज वकार जनाब बूटा भट्ट साहब, जनाब तारिक साहब और दीगर मेहमान ने ग्रामीण, हम उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि इस अलविदाई तकरीब में नसीर साहब के हम रकाब हैं। और हमने अपनी रवायात के मुताबिक जो भी टीचर यहाँ से रिटायर होता है या यहाँ पे नया पॉइंट होता है, हम उन्हें आने वालों को खुश आमदेद कहते हैं और जाने वालों को अच्छे तरीके से अलविदा कहते हैं। जी जिन बच्चों ने गिफ्ट देने हैं वो लाइन में हो जाएं। ये छोटे जो प्राइमरी स्कूल के प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हैं उन्हें भी इनसे बड़ी मोहब्बत है, वो भी लेके आए हैं अपनी बसात के मुताबिक, अपनी हिम्मत के मुताबिक। तो ये भी मोहब्बत का एक इजहार है, और ये जिंदगी के यादगार लम्हे होते हैं। दूर जाएगा तो और भी याद आएगा, फासले कुर्ब की बुनियाद हुआ करते हैं। मोहतरम जनाब नसीर साहब, ये फोटो सेशन उनके साथ, वीडियो कवरेज उनके साथ, जनाब जिशान खली साहब, जनाब जमीर हैदर साहेब, जनाब राशिद साहेब, जनाब मोहम्मद मंशा साहेब, खलील साहेब, मोहम्मद सलीम मंशा साहेब, जनाब शहजाद साहेब, जनाब बशीर साहेब, जनाब तारक साहेब, बिलाल सेठी साहेब, आफत सफरा साहेब, मोहतरम जनाब इमरान साहेब, तमाम साथा जो हैं अपने इस दरीना दोस्त को अलविदा कह रहे हैं। और ये हाँ जी इमरान रमजान साहब का नाम लिया मैंने, तो हाफिज मुबशर साहब और शबीर साहब, और खसूसन ये प्राइमरी सेक्शन में हमारे साथी हैं जी, हकीम मुस्तफा साहेब, जनाब नसर अब्बास साहेब जी, अपना हमारे सलीम साहब जो कि हमारे दफ्तर को मैनेज करते हैं, और सबसे इनकी बहुत ज्यादा कोऑपरेशन, दोस्ती, मोहब्बत, और हल्का फुल्का मजाक भी चलता रहता था। जनाब साहब भट्ट साहेब ये खसूसी शफकत के साथ, बहुत बड़ी आनर है, बहुत बड़ा एजाज है जब कोई इंसान अपनी जो मुद्दत मुलाजमत है बासन तरीके से उसको सरजम देकर रुखसत होता है। ये जनाब भट्टी साहब भी आए हैं स्पेशली, हम उनको भी खुश आमदेद कहते हैं। और आज नसीर साहब मेरे बहुत ज्यादा सीनियर हैं, सीनियर हैं।
आती है तो कांटे भी दुआ देते हैं उसको, जाती है तो गुलशन को रुला जाती है खुशबू, यूं मुझ में तेरे लम्स का एहसास रचा है, अपने ही बदन से आ जाती है तेरी खुशबू, महके हुए माहौल में जब तुम नहीं होते उस वक्त मेरे जी को जला जाती है खुशबू। नसीर साहब की यादें हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, लेकिन रोजाना रूटीन में मिलना तो जो और बात होती है सुबह सुबह आके। सलीम साहब ये आप गिफ्ट मैनेजर हैं, ख्याल रखें। ये बच्चे दो बड़े बच्चे ले लें। शबीर साहब ये जो गिफ्ट हैं ये आपस में पहुंचा दें बच्चों को। जी मुश्ताक साहब भी आ गए हैं, हम उनको भी खुश आमदेद कहते हैं, उन्होंने भी यहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। जनाब मुश्ताक साहब हमारा खून भी शामिल है तज़ीन गुलिस्तां में, हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए। पुराने और नए साजा का बड़ा हसीन इम्तजाज, फोटो सेशन एक यादगारी लम्हा। मोहतरमा अमीन साहब भी, इनका भी किरदार है यहाँ स्कूल के तमीर तरक्की में, और बहुत बहुत ज्यादा लोग जो हैं हमारी जो कम्युनिटी है वो भी हमारे इस इदारे से अटैच हैं। ब्लेयर बिलाल सिफी साहब आए हैं अब आखिर में, आखिरी शब्द दीद के काबिल थी बिस्मिल की तड़प तड़प, सुबह दम को ही अगर बालाए बाम आया तो क्या। बिलाल सिफी साहब बड़े शनाख कहाँ हैं, मैंने इनका नाम जान शख्सियत है कुछ शिकार लोग पिछे नहीं रेंदे शिकार लोग नहीं होंगे। और हर मेरे तमाम मेहमानों का बहुत स्कूल इंतजामिया की तरफ से उसात्रा ग्राम की तरफ से नहायत दिल से शुक्रगुजार हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया जिन्होंने अपनी मसरूफिया से वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ लाए, और ये फोटो सेशन हमारा चल रहा है इंशाल्लाह। उसके बाद खाना सब मेहमानों ने खा के तो फिर जाना है, ये हाल में तशरीफ लेके जाना है अभी इधर से फारग होकर, और तमाम मेहमान जो ये खाना खा के जाएंगे इंशाल्लाह। नसीर साहब के लिए अहम ऐलान है कि जब भी हमारी जरूरत हो इंशाल्लाह हम हाजिर हैं इंशाल्लाह, जब भी वो किसी भी काम के लिए स्कूल में तशरीफ लाएंगे तो उसी तरह का उनको प्यार मिलेगा, उसी तरह की मोहब्बत, और उसी तरह उनके साथ दावत करेंगे जिस तरह हम पहले करते थे। तमाम मेहमान खाने के लिए हाल में तशरीफ ले जाएंगे। दुआ जैसा गुजरी कर दें, سيدنا ونبينا ومولانا محمد المبارك وسلم وصلي على رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اے اللہ ہم سب کے صغیرا اور کبیرا گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ نذیر صاحب کے یا اللہ علم میں عمر میں برکت عطا فرما، ان کو صحت عطا فرما، اے اللہ دوران سروس جو کوئی کمی کوتاہی رہ گئی یا اللہ اس کو معاف فرما، اے اللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو ہمیشہ خوشیاں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ہلکے ہی محمد مالی وسوا بھی اجمائی۔